हमें यीशु ही देंगे, प्रेत से छुटकारा हमें यीशु ही देंगे, चमत्कार यीशु करेंगे चमत्कार, रोग से चंगाई हमें यीशु ही देंगे, प्रेत से छुटकारा हमें यीशु ही देंगे, चमत्कारी यीशु करेंगे चमत्कार, रो मत तू बेटे मैं हूँ तेरे संग, रो मत तू बेटे मैं हूँ तेरे संग, रो मत तू बेटी मैं हूँ तेरे संग, रो मत तू बेटी मैं हूँ तेरे संग, चमत्कारी यीशु करेंगे चमत्कार, चमत्कारी यीशु करेंगे चमत्कार, चमत्कारी यीशु करेंगे चमत्कार, चमत्कारी यीशु करेंगे आज उद्धार। सुनिए, अरे सुनिए ना, पता नहीं कौन इस वक्त दरवाजा खटखटा रहा है, उठिए ना, उठिए ना। ए, तूने जरूर कोई सपना देखा होगा, जाके सो जा। ऐसा नहीं है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, जाके देखिए ना, देखिए। ओफो, सुनो, फिर से कोई खटखटा रहा है, चलिए देखिए ना, उठिए। अरे हाँ, कौन होगा, जल्दी चल के देखिए ना। कौन है तू? तू है कौन? ये और तुझे क्या चाहिए? सुनिए, पता नहीं कौन है, अंदर चलिए। मैं कह रही हूं ना, नहीं कौन है, कोई पागल लगता है। और तुझे किसे मिलना है? क्या चाहिए तुझे? अरे तू छोड़ना मुझे, मैं पूछता हूँ। पिताजी, माँ, तुम्हारा बेटा बाबू आया है। हाँ, क्या? हाँ जी, ये सही कह रहे हैं, ये हमारा बेटा है बाबू। रुक रुक रुक,
पागलों से बात मत कर, रुक जा, रुक जा। ये कोई पागल है, कुछ ना कुछ कर डालेगा। ओहो, ऐसा मत बोलिए। 7 सालों बाद वो हमारा घर ढूंढ कर आया है। उसे गले लगाने के लिए मेरी ममता बेताब हो रही है। आप एक माँ की ममता को नहीं समझ रहे हैं। वो हमारा ही बेटा बाबू है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? छोड़िए, तुम्हारा बेटा पागल हो गया है और वो इधर उधर भटक रहा है। जब लोग बोलते थे तो मेरा कितना अपमान होता था पता है, और उसके बाद ये न जाने कहाँ गायब हो गया था। मैंने सोचा था किसी एक्सीडेंट में मर मुरा गया होगा। मेरे सामने से दूर हो जा। मुझे हाँ से। कुछ मत कहिए। ऐसे क्या देख रहा है तू, खुद जाता है या मार मार के भगा दूँ? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारे बेटे का चेहरा तो देखिए, उसकी आंखों में जो चमक है वो देखिए, वो शांति देखिए। जरूर उसके साथ कुछ अच्छा हुआ है, इसीलिए वो हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आया है। देखिए उसका चेहरा देखिए, कितना शांत दिखाई दे रहा है। भैया आओ, भैया आओ। क्या है? कबूतरों का दाना खत्म हो गया, जरा लाना। ठीक है, अभी लाती हूँ। ये कौन है? पता नहीं कौन है। क्यों जी? क्या हुआ भानु? कल जब हम गाना गाकर यीशु मसीह की स्तुति कर रहे थे, तब पागलों की हालत में एक भाई आया था ना, उस भाई के जैसा ही ये भाई भी लग रहा है ना? हाँ भानु, सही कहा। पागलों की हालत में कल जो तुम्हारे घर आया था, मैं हूँ बहू वही हूँ। क्या क्या कहा, तुम वही हो? हाँ माँ जी। एक दिन के अंदर ही इतना बड़ा बदलाव, चेहरा देखो कितना शांत दिख रहा है। ये सब कैसे हुआ? एकदम आश्चर्य है। भैया तुम्हारे साथ क्या हुआ? सात सालों से पागल बनकर घूम रहा था, और इतने सालों तक मैं कहां कहां गया और मैंने क्या किया, कुछ भी याद नहीं है। लेकिन कल जब मैं तुम्हारे घर आया था और यहाँ तुम लोग यीशु मसीह के गीत गा रहे थे, सिर्फ ये दो बातें ही मुझे अच्छी तरह याद हैं, और इसीलिए यीशु मसीह को जानने के लिए मैं यहाँ चला आया। यीशु मसीह के बारे में मुझे जानकारी दीजिए ना, बोलिए ना माँ जी। तुम लोग ऐसे आंसू क्यों बहा रहे हो? भैया चिंता के कारण आंसू नहीं निकल रहे हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए जो चमत्कार किया, वो सोचकर खुशी के आंसू हैं। ये सच है भैया। भैया यीशु मसीह मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर के पुत्र हैं, वही ईश्वर हैं।
स्वयं यीशु मसीह ने तुम्हें आकर अपने दर्शन दिए, तुम्हें पागलपन से छुटकारा दिलाया। तुम वाकई बहुत भाग्यशाली हो और तुम्हारा चेहरा देखकर हम लोग कितने खुश हो रहे हैं पता है। भैया, इस दुनिया में यीशु मसीह ने न जाने कितने चमत्कार किए हैं। अंधों की आंखों की रोशनी लौटाई है, कुष्ठ रोगियों को चंगा किया है, मरे हुए एक युवक को उन्होंने वापस जिंदा किया है। ऐसे बहुत से चमत्कार किए हैं। हाँ भैया, दुष्ट आत्माओं से लोगों को वो छुटकारा दिलाते हैं। पवित्र बाइबल में मरकुस में एक भक्त ने 5वें अध्याय में प्रेत चिपटे हुए एक मनुष्य के बारे में कहा है। उस मनुष्य को न जाने कितने ही बार बड़ी बड़ी जंजीरों से बांधा गया, लेकिन वो सब तोड़ देता था। रात दिन पहाड़ों के ऊपर और कब्रिस्तान में ही रहता था। एक दिन यीशु मसीह उसे मिले और दुष्ट आत्मा को जैसे ही कहा, इस मनुष्य को छोड़कर चली जा, वो तुरंत दुष्ट आत्मा से मुक्त हो गया। और उसके बाद मानो उसका नया जन्म हुआ। भूत चिपटने वाले उस मनुष्य के लिए चमत्कार करने वाले यीशु मसीह ने ही आज तुम्हारे लिए भी चमत्कार किया है भैया। हाँ भैया, अब तुम्हें देखने के बाद यीशु मसीह आज भी वैसे ही चमत्कार करते आ रहे हैं, ये बात हम जान गए हैं। यीशु मसीह आज भी जीवित है, ये बात हमारे विश्वास को दृढ़ बनाती है। सही कहा माँ जी, प्रेत आत्मा के चंगुल से मुझे छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु मसीह के लिए मुझे क्या करना होगा बताइए। उनके बताए मार्ग पर चलना होगा, बस इतना ही। अपनी ही तरह दूसरों से प्रेम करो, अपना जीवन यीशु को समर्पित करना होगा, उनके लिए ही जीना होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए ही उन्होंने प्राण त्यागे। मेरे लिए प्राण त्यागे क्यों, किस लिए? तुम्हारे पापों के लिए और तुम्हारे श्रापों के लिए। मैं समझा नहीं माँ जी। भैया, इस दुनिया में हम सब पापी हैं। हमारे अंदर से वो पाप निकल जाए, उसी के लिए यीशु मसीह ने कुंवारी की कोख से मनुष्य का जन्म लिया और क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाया, क्योंकि यीशु मसीह का पवित्र लहू ही समस्त पापों को धोकर हमें शुद्ध बनाता है और पूरी जिंदगी वो चंगाई देता है। और इसीलिए तुम्हारे पापों के लिए, श्रापों के लिए उन्होंने क्रूस पर अपने प्राण त्यागे। भैया, केवल यीशु मसीह ही मनुष्य को उसके पापों से और श्रापों से, यहाँ तक कि बुरे कर्मों से भी छुटकारा दिलाते हैं। भानु। हाँ कहिए। जरा बाइबल लाना। ठीक है, अभी लाती हूँ। ये लीजिए। भैया, यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली जितने भी वचन हैं, वो इस बाइबल में हैं। एक पवित्र जीवन के लिए सारी भलाई की बातें इसमें हैं। पढ़ के देखो, तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा और तुम्हारा जीवन प्रकाशमय बनेगा। ये लो भैया। हे यीशु। भैया जी। हाँ बोलिए। सबसे पहले तुम्हें बपतिस्मा लेना होगा। ये सही बोल रहे हैं। बपतिस्मा लेना होगा? ये बपतिस्मा क्या होता है? बपतिस्मा यानी पानी में नहाने से शरीर शुद्ध होता है, पाप में नहाने से मनुष्य दूषित होता है, और इसीलिए अधर्म को छोड़कर एक धर्मी बनने के लिए पवित्र शास्त्र कहता है कि जैसे नहाने से शरीर शुद्ध होता है, वैसे ही मन की गंदगी चली गई ये मानने के लिए नाक बंद करके पानी में डुबकी लगाना ही बपतिस्मा कहलाता है। सुनिए, 7 सालों बाद हमारा बच्चा घर लौट आया है, ये सोचकर मैं खुश हो रही थी। लेकिन सुबह उठकर देखा तो हमारा बच्चा नहीं है। पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन उसका कहीं पता नहीं। हमारे बच्चे भी भैया को देखना है कहकर ढूंढ रहे हैं। आपसे आकर बताया तो आप खामोश खड़े हैं। आसपास भी जाकर ढूंढ लिया लेकिन उसका कहीं पता नहीं है। सब जगह जाकर सब लोगों से पूछ लिया लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं है। कम से कम आप तो हमारे बच्चे को जाके ढूंढ के लाइए ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेहरबानी करके बच्चे को ढूंढ के लाइए। पिताजी, भैया को अब से हमारे पास ही रहने दो।
हाँ पिताजी, भैया को देखने की बहुत इच्छा हो रही है। पिताजी, भैया को ढूंढने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालिए ना। पिताजी, भैया को देखने की बहुत इच्छा हो रही है। हाँ पिताजी। उस पागल के बारे में अगर किसी ने भी कुछ कहा ना तो जान से मार डालूंगा। आप ऐसा मत कहिए, उसके चले जाने से मेरी ममता तड़पने लगी है, लगता है मेरी जान ही निकल जाएगी। कुछ भी करके उसे कहीं से ढूंढने का इंतजाम कीजिए। क्या कहा, उसे ढूंढूं? कल ही मैंने उस पागल को मार के भगा दिया होता, लेकिन तू कह रही थी उसके साथ अच्छा हुआ और बड़ी भावुक हो रही थी, अब देख लिया वो फिर से भाग गया। ये तो अच्छा हुआ हमें कुछ नहीं हुआ, नहीं तो वो हमें सोता हुआ देखकर हमें जान से मार डालता। अब वो अगर दोबारा इधर आया तो कुत्ते की तरह उसे मार के भगा दूंगा। चल जा। ये क्या कह रहे? अरे कहाँ ना, अंदर जा। तुम भी जाओ, उसकी बहुत तरफदारी कर रहे हो ना, मार डालूंगा तुमको, जाओ अंदर। बड़े आए तरफदारी करने, उसे ढूंढिए ना। है आने दो उसको, आज मैं देखता हूं। पिताजी। बाबू, भैया 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 भैया, बाबू तू दोबारा यहाँ क्यों आया? सुनिए, ये जरूर कोई प्लान बना के आया है, इससे जरूर हमारा नुकसान होगा। आप ऐसा मत बोलिए, कम से कम बच्चे का चेहरा तो देखिए। पिताजी, उसका चेहरा कितना शांत है, जरा देखिए। पिताजी, अब मैं पागल बनकर नहीं आया हूँ, पवित्र बनकर आया हूँ। चलिए पिताजी, मेरे साथ जो चमत्कार हुआ बताता हूँ। हाँ माँ। आ जा बेटे बाबू, आ जा। भैया आओ, चलो भैया आ जाओ। मेरे साथ यही हुआ पिताजी। अच्छा, जब ईशु ने तुझे दर्शन दिए हैं तो तू साधारण इंसान नहीं है, तू अब ईशु की संतान है। तुझे आज अपना बेटा कहते हुए मुझे कितना गर्व हो रहा है पता है? तुम्हें अपना भाई कहते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। पिताजी। क्या है? मुझे बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा? वो कैसे? आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं? यीशु ने स्वयं दर्शन देकर हमारे बेटे को चंगा किया है, उस उदार परमेश्वर के मार्ग पर अब हमारा बेटा चलना चाहता है, कृपा कर उस पर रुकावट न डालें। बाबू, तुझे बपतिस्मा दिलाने के लिए मैं इंतजाम करता हूँ। बहुत धन्यवाद पिताजी। माँ, बड़े भैया, छोटी बहन, छोटा भाई, ये सब कितने बड़े बड़े हो गए हैं ना? हाँ भैया, सिर्फ हम लोग ही बड़े हुए हैं, लेकिन तुम अभी भी वैसे ही छोटे बच्चे की तरह हो। सुनिए, ये लीजिए, कॉफी पी लीजिए। क्या हुआ, आप मुझे ऐसे देख रहे हैं? 7 साल हो गए, 7 साल के बाद तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान देख रहा हूँ। क्यों, आपका चेहरा भी तो पूरी तरह से मुस्कुरा रहा है। तुम सच कह रही हो। कॉफी पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। माँ, क्या हुआ बेटे? बड़े भैया, बहन, छोटा भाई, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तेरे दोनों बड़े भैया कॉलेज गए हैं, छोटा और छोटी दोनों स्कूल गए हैं। वैसे तो वो तुझसे मिलकर ही जाने वाले थे, लेकिन तू प्रार्थना कर रहा था ना, उसमें बाधा पड़ेगी सोचकर चले गए। शाम को जल्दी आ जाएंगे, तेरे साथ खेलेंगे, ऐसा बोल के गए हैं।
बाबू, गांव के सब लोग तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहे पता है। पहले तुझे देखकर ये पागल है कहकर तेरा मजाक उड़ाने वाले, आज तुझे परमेश्वर की संतान बोल रहे हैं। मैं सच कह रहा, तुम्हारे कारण हमारा परिवार गर्वान्वित हो गया है ना? अच्छा ठीक है, बेटी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं जाके नाश्ता लगाती हूँ। हाँ। चला जा। माँ, आज मेरा उपवास है, सुबह से शाम तक एकांत में प्रार्थना करनी है, उसके बाद ही कुछ खाऊंगा। चलता हूँ माँ। चलता हूँ पिताजी। ठीक है बेटे। मैं जान गया हूँ उस दिन हम जैसे पापियों के लिए तुम पृथ्वी पे आए, और आज इस पापी के लिए मन में उदारता के साथ आए हो ना, तुम ही यहाँ आए हो ना। जिन पाँव में कीले ठोकी गई, उन पाँव के मुझे तुमने दर्शन पाने का सौभाग्य दिया, दर्शन दिए। ईशु पिता, मेरे ये पाप से सने हाथ तुम्हारे पवित्र पाँव के ऊपर पड़े, उसके लिए मैंने कौन सा भला कार्य किया। ईशु पिता, स्तुति हो तुम्हारी, स्तुति हो पिता। प्रीत आत्मा ने मुझे पागल बना रखा था, इस पापी के ऊपर तुम्हें तरस आया मेरे परमेश्वर। मेरे मन के अंदर जो बुरा पाप भरा हुआ था उसे तुमने निकाल दिया, पापियों का उद्धार करने वाले उद्धार करता। हे यीशु राजा, मैं पूरे जीवन भर तुम्हें कभी ना भूलूं, वैसा हृदय मुझे प्रदान करो। यीशु पिता। भैया, तुम आते ही एक महीने से यहाँ की देखभाल बहुत अच्छी कर रहे हो, अपने पिताजी की मदद कर रहे हो, अगर ऐसा ही रहा तो जल्दी ही एक और मिल खुल जाएगी। अच्छा भैया, पिताजी से कहना मैं आया था, एक 10 बोरी चावल मेरी दुकान पे भिजवा देना। जी अच्छा, मैं चलता हूँ। जी ठीक है। नमस्ते भैया। अच्छा भैया। बाबू, क्या हो गया, काम पसंद आया ना? क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बाबू, तुम्हें कुछ भी करके धोखा देकर तुमसे थोड़े से पैसे ऐंठने का सोचा, प्लान भी बनाया, और उस दिन मैं आया, लेकिन तुम्हारा ये उदार चेहरा देखकर और तुम्हारी मीठी बातें सुनकर अब मेहनत करके खाऊंगा, कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा, ऐसा मुझ में बदलाव आ गया। तुम्हारे अंदर ईश्वर है ये मुझे मालूम हो गया। मुझे कोई काम चाहिए कहा, तुमने मुझे मुनीम का काम दिया, मैं उसमें बहुत खुश हूं। भैया,
तुम्हें देखकर मुझे संतुष्टि हो रही है। यीशु मसीह तुम्हें और भी आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। मैं घर से खाना लेकर आया हूँ, ये लो। गरम, मुझे थोड़ा काम है वो खत्म कर। ठीक है, मैं भी खा के आता हूँ। मेरे बेटे, ये संसार मेरे बारे में जाने, उसके लिए मैंने तुझे चुना है। क्रूस पर जो मैंने कोड़े खाए वो तेरे लिए ही। इस संसार में प्रेत आत्माओं ने जिन्हें जकड़ रखा है उनके पास जाकर उन्हें जब पाप से घिरे हुए देखता हूँ तो तरस आता है। इसीलिए क्रूस पर मैंने लहू बहाया। यीशु मसीह ही तुम्हारा उद्धारक है, केवल वही मुक्ति दिला सकता है। ये संदेश हर मनुष्य तक पहुंचाने के लिए तुम्हें जाना होगा, मेरा सुसमाचार प्रचार करना होगा। जिनका हृदय टूट चुका है वे स्वस्थ हो जाएंगे, प्रेत आत्माओं के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे, पाप के बंधनों से जो लोग बंधे हुए हैं वे सचमुच स्वतंत्रता पाएंगे। रोजाना मेरे विषय में बोलकर गाकर मेरी स्तुति करना। क्या हुआ माँ? माँ मत रो। बाबू, दोबारा तुझसे बिछड़कर मैं भला कैसे रह पाऊंगी? माँ, मैंने तुम लोगों से सब कुछ बता दिया है। मैं तुम लोगों से दूर जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूल जाऊंगा। प्रभु यीशु के जो मैंने दर्शन किए और उनके दिए पवित्र वचनों का अब मुझे आदर करना है। माँ, प्रेत आत्मा ने मुझे पागल बना रखा था, ऐसे में प्रभु यीशु ने पता है दर्शन क्यों दिए? ताकि मैं उनका सेवक बनकर, उनकी गवाही बनकर उनकी महिमा करूं। माँ, मैं इस वक्त पाप में गिरने नहीं जा रहा हूं, लेकिन पाप में जो गिरे हैं उन हर एक मनुष्य को प्रभु का सुसमाचार प्रचार करके उन्हें पाप के बंधन से छुड़ाना है। माँ, तुम ममता के कारण ऐसा बोल रही हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन पाप के मार्ग से जो लौट नहीं पा रहे हैं और दुखी जीवन जी रहे हैं, ऐसी कितनी माताएं हैं, कितने ही पिता हैं, कितने ही भाई हैं, बहन हैं, उन्हें सुसमाचार सुनाकर प्रभु के मार्ग पर वापस लाना है, यीशु के प्रेम के बारे में बोलकर मन फिराना है। हाँ माँ, प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करना अब से मेरा कर्तव्य है। उस कर्तव्य को निभाने के लिए जा बेटे बोलकर खुशी खुशी मुझे भेजो माँ। हाँ कमला, बाबू को खुशी खुशी भेजो। माँ जी, दूसरों को धोखा देकर मैं गुजारा किया करता था, लेकिन बाबू ने मुझे बदल दिया। मेरे जैसे और ना जाने कितने लोग हैं, उन्हें भी बाबू को बदलना है, इसलिए हंसते हुए उसे जाने की आज्ञा दो। हाँ माँ, बोलिए ना माँ। हाँ बोल दीजिए ना। हाँ माँ, जल्दी से बोलिए ना माँ। बेटे, अपने पूरे मन से बोल रही हूँ, प्रभु यीशु की सेवा करने के लिए खुशी खुशी जा। बहुत अच्छा लगा माँ, अब खुशी से जाऊंगा। यीशु मसीह
हम सबको आशीर्वाद देंगे। चलता हूं मां, चलता हूं।